हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिक शी को स्टार पैटर्न में कैसे लिखें। तो टाइम सेविंग के लिए पहले से ही हम एक यहाँ पे बॉक्स बना चुके हैं, जिस बॉक्स में 3 कॉलम है और 5 रोज है, ठीक है। और स्टार को ऐसे फिक्स किए हुए हैं कि वो अल्फाबेटिक सी का फॉर्मेशन पर है, ठीक। तो अब हम लोग इस बात करेंगे इसके लॉजिक और इसके प्रोग्रामिंग को, और इसका प्रोग्रामिंग हम लोग लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फिगर को आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को 2 वेरिएबल लेना है, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट रो, रो के लिए रो हो गया और कॉलम के लिए कॉल हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, बट अब डिक्लेयर करने के बाद इसको तो ट्रैवल भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसको ट्रैवल करने के लिए हम लोग को 2 फॉर लूप चाहिए, एक फॉर लूप रो के लिए, एक फॉर लूप कॉलम के लिए। तो पहला फॉर लूप रो के लिए लिखते हैं, फॉर रो इक्वल टू 0, रो स्मॉलर देन इक्वल टू 4, रो प्लस प्लस, ये हो गया हम लोग का ये हो गया रो के लिए, ठीक है। अब लिखते हैं फिर फॉर लूप कॉलम के लिए, फॉर कॉल इक्वल टू 0, कॉल स्मॉलर देन इक्वल टू 2, कॉल प्लस प्लस, यहाँ पे ये कॉलम के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम और फॉर लूप को, भले सर कॉलम और रो को ट्रैवल कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लॉजिक पे बात करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर हम लोग इसको, इसके लॉजिक को लिखने जाए तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट इसको हम लोग क्या किए, इसको रो 0 और रो 4 के में कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक पोर्शन में डिवाइड किए हैं, और फिर एक ये कॉलम 0 को, कॉलम 0 के सारे स्टार्स को दूसरे पोर्शन में डिवाइड किए, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन का हम लोग लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या है, रो 0 में स्टार है और रो 4 में स्टार। तो सबसे पहले रो 0, रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 4, अगर रो 0 हो या रो 4 हो, ठीक है। एंड सॉरी यहाँ पे और एंड कॉलम इक्वल टू, कॉलम नॉट इक्वल टू 0 जब हो तो ही स्टार प्रिंट कर। कहने का मतलब कि रो 0 में जाए और कॉलम 0 ना हो, ठीक है, तो स्टार प्रिंट करना है। फिर वो 4 में जाए, कॉलम 0 ना हो, तो स्टार प्रिंट करना। तो ये 4 स्टार प्रिंट होगा। तब इसको सी प्रोग्रामिंग में इसका लॉजिक लिख लेते हैं, इफ रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 4 एंड ये और ऑपरेटर का सिंबल है और ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है, एंड कॉल इक्वल टू, सॉरी कॉल नॉट इक्वल टू 0 हो तो ही ये स्टार प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं प्रिंट करना। तो क्या प्रिंट एफ, यहाँ पे स्पेस हम इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग का जो आउटपुट है वो क्लियर विजुअलाइज हो, मतलब बस अच्छा और साफ दिखे, इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेस दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसका तो हो गया, इसका हम लोग प्रोग्रामिंग लिख लिए, ठीक है, इसका लॉजिक लिख लिए। अब आते हैं, बात करते हैं इसके लॉजिक के, ये 3 स्टार के पीछे का लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा लॉजिक है, करना क्या है, कॉल इक्वल टू 0, कॉलम 0 हो एंड रो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड रो नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो ही क्या क्या करेगा, स्टार प्रिंट करना। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो स्टार प्रिंट करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो लॉजिक लिख लेते हैं सिंपल सा, फिर से एल्स इफ
कॉल इक्वल टू जीरो एंड रो नॉट इक्वल टू जीरो एंड रो नॉट इक्वल टू फोर। तो क्या करना है, स्टार्ट प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं प्रिंट करना। तो स्टार्ट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्पेस स्टार। तो यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट हो गया। अब देखिए हम लोग का तो स्टार का सारा लॉजिक लिख चुके हैं। अब जो ब्लैंक स्पेस है उसके लिए क्या, एल्स पोर्शन में एक ब्लैंक स्पेस के लिए लिख देते हैं, जितना बाकी पोर्शन बचा वो एल्स पोर्शन में चला जाएगा और वहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो एल एल्स प्रिंट एफ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्रामिंग सब लॉजिक वॉजिक सब चीज़ सही लिख ली, सब चीज़ हो गया। बट अगर रन कराते हैं लोग तो हम लोग का क्या होगा, एक ही लाइन में सारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, स्टार स्पेस। बट हम लोग को तो वैसा नहीं करना है, इस एक बॉक्स शेप में प्रिंट करना है। तो इसके लिए जो सी प्रोग्रामिंग में होता है उसको बोलते हैं बैक स्लैश एन यूज करके न्यू लाइन का फॉर्मेशन, मतलब कि वो कॉलम तक एक बार एक लाइन में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सर नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करेगा, बैक स्लैश एन यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर दूसरे दूसरे रो के लिए, फिर तीसरे रो के लिए, फिर चौथे रो के लिए, ऐसे करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को सिंपल सा कॉलम वाले रो के बाद एक कॉलम वाले फॉर लूप के बाद एक प्रिंट एफ के अंदर बैक स्लैश एन यूज कर देना है, जिससे क्या न्यू लाइन का फॉर्मेशन। तो हम लोग का हो गया सारा प्रोग्रामिंग के लिए। अब इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे रन हो गया, देखिए आउटपुट पे सी हम लोग का प्रिंट आ गया। तो जूम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सी प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।